तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हज़ॉप यानी कि होता क्या है। हज़ॉप यानी कि हज़ार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी। हज़ॉप ये एक सिस्टमेटिक वे है कि जिसमें जो भी वर्क प्रोसेस होती है उसमें जो भी पॉसिबल हज़ार्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसी अप्रोच में जो प्रोसेस होती है उसको स्टेप में ब्रोकन डाउन किया जाता है, यानी कि उस स्टेप के टुकड़े किए जाते हैं। और फिर जो स्टेप हमने जो है कंसिडर किया है उसका जो वर्क पैरामीटर्स है उसमें वेरिएशंस देखे जाते हैं, और वो इसलिए देखा जाता है ताकि उससे क्या गलत हो सकता है, तो इसे हज़ॉप स्टडी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये हज़ॉप की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको जो भी टास्क आप करने वाले हो, जो भी जॉब आप करने वाले हो, उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको एक टीम जो है वो अरेंज करनी है, जो उसमें कॉम्पिटेंट पर्सन्स ही होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी है तो उसके लिए आपको एक सिविल इंजीनियर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर आपके साथ होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग फोरमैन आपके साथ होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर भी आपके साथ होना चाहिए, एक HSE पर्सन्स होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो स्कैफोल्डिंग की टीम के जो रिगर्स है उसको भी आपको टीम में शामिल करना है। तो इस तरह आपको टीम को अरेंज करना है। फिर उसके बाद जो भी टास्क आप कर रहे हो उसकी सारी इंफॉर्मेशंस, उसका सारा डाटा आपको कलेक्ट करना है, और फिर उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना है। फिर उसके बाद आपको एक शेड्यूल अरेंज करना है जिसमें किस पर्टिकुलर डेट पर आपको उस टास्क का इंस्पेक्शन करना है, यानी कि उसकी हज़ॉप स्टडी करनी है। फिर उसके बाद जो टास्क आपने सेलेक्ट किया है उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि उसके छोटे छोटे स्टेप जो है वो आपको कंसिडर करने हैं। फिर उसके बाद जो जॉब के यानी कि जो टास्क के आपने पार्ट्स किए हैं उसमें से एक पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद उस पार्ट से यानी कि उस स्टेप से आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, उसमें हजार्स क्या है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपको उसके जो पॉसिबल रेमेडियल जो मेजर्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं वो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये तो आपने जो जॉब है उसके एक पार्ट का किया, वैसे जो आपने उसके जो पार्ट्स किए हैं अलग अलग उसमें से अभी दोबारा हमें दूसरा पार्ट सेलेक्ट करके वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, यानी कि हमें दूसरा पार्ट कंसीडर करना है और फिर दोबारा उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें हज़ार्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और फिर उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं। ऐसा आपको वो जो जॉब है यानी कि जो टास्क है उसके जितने आपने पार्ट्स बनाए हैं हर एक पार्ट्स के लिए आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, और फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपको एग्जामिनेशन के लिए उसको रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद आपको फॉलोअप लेना है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स आपने सजेस्ट किए हैं, आपने आइडेंटिफाई किए हैं, यानी कि वो जो सारी एक्शंस है वो इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, उसका आपको फॉलोअप लेना है। फिर उसके बाद आपको जो पार्ट्स आपने सेलेक्ट किए थे, जिसके आपने हज़ार्स फाइंड आउट किए थे और उसके लिए कंट्रोल मेजर सजेस्ट किए थे, उस पार्ट्स को दोबारा आपको रीस्टडी करना है, और वो रीस्टडी आपको इसलिए करना है कि कोई पार्ट उसमें से छूट तो नहीं गया है, कोई हज़ार्स हो या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो वो बचे तो नहीं हैं, वो आपको उसमें देखना है। और फाइनली आपको वो जो रिपोर्ट है उसका जो आउटपुट है वो आपको प्रोड्यूस करना है। तो ये सारी बातें आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए, क्योंकि यही जो है ये हज़ॉप की प्रोसेस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए।